हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट आलमंड सैंडविच, वो भी बिना किसी चॉकलेट और बटर के। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं। आप जितने सैंडविच बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रेड स्लाइस ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये अभी 2 लिए हैं। तो अब सबसे पहले हम इसकी साइड्स को हम इसको कट कर देंगे। जो इसका ब्राउन पार्ट है वो सारा इसमें से रिमूव कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, इसकी चारों साइड्स करनी है हमने इसकी रिमूव। ये देखिए, इस तरह से कोई भी साइड छूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको घुमा घुमा कर टर्न करके इसको जो साइड्स है इसकी ब्राउन साइड्स, इसको हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सेपरेट करके अब इसको अलग से निकाल लेंगे कहीं दूसरी प्लेट में। अब ये देखिए, हमारी ये जो 4 साइड्स हैं इसकी ब्राउन वाली वो कट हो चुकी हैं। अब इसमें हम जो सेकंड जो इंग्रेडिएंट जो यूज़ कर रहे हैं वो है हर्षी की सिरप, चॉकलेट सिरप। तो पहले ये बता दूँ, ये मेरी कोई प्रीपेड वीडियो नहीं है, मैं इसको अपनी रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ एज इंग्रेडिएंट। तो चलिए अब इसको हम अपनी जो है ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे। इसमें हमें कोई भी चॉकलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें कोई बटर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऑलरेडी हमारी रेडीमेड बनी बनाई है। तो ये बहुत ही इजी और डिलीशियस सैंडविच है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि कई बार बच्चों का खाने का मन नहीं करता है तो कुछ हटके मांगते हैं, कोई स्वीट डेजर्ट मांगते हैं, तो इसको आप बहुत ही ईजी तरीके से बच्चों को दे सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसको हमने अच्छे से स्प्रेड करना है कि इसका कोई भी कॉर्नर छूट ना जाए। ये देखिए, अच्छे से स्प्रेड करना, क्योंकि कहीं से भी छूट जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से हमने, ये देखिए, मैंने चारों तरफ से ऐसे स्प्रेड कर लिया है। अब इसको मैंने हल्का सा इस तरह से ऊपर ब्रेड अभी रखी है लेकिन अभी बना नहीं है, इसलिए वीडियो को बंद मत कीजिएगा। तो ये देखिए, अब इसको मैं फिर से रिमूव कर लूँगी। पहले ये हम इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं कि इसकी सेटिंग है, तो अभी मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि हमारे अभी आलमंड्स बाकी हैं। तो मैंने जो हमारे बादाम मीन्स जो आलमंड्स हैं जो, उसको इस तरह से कट कर लिया है। आप किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है। फिर उसके ऊपर फिर हम ब्रेड वही रखेंगे और अच्छे से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसको दबाने के हल्का सा बाद में इसको बीच में से हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कट करेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने ये कट कर लिया है। ये देखिए, और ये देखिए हमारा कितना अच्छा सैंडविच है, ये बनकर तैयार हो चुका है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।